हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनुभव एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव स्क्रू। सो आज मैं आपको गूगल क्रोम से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। स्पेशली ये टिप्स उन लोगों के लिए हैं जो गूगल क्रोम विंडोज़ में यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ यूज़र्स को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल। और अभी हमारे कुल 220 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, एंड प्लीज़ अगर आप भी नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए और टेक्स्ट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो बढ़ते हैं हमारी पहली ट्रिक की ओर, जो कि है फेसबुक से रिलेटेड। तो फेसबुक आप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, एंड्रॉयड में भी और विंडोज़ में भी। पर जब भी आप विंडोज़ में लॉगिन करते होंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देखने को नहीं मिलता है। आप जो भी डालोगे आप पता नहीं, आपको नहीं पता होता क्या डाल रहे हो, और ना ही आई बटन आता है। तो आप ये पासवर्ड देखने के लिए ट्रिक है कि आपको इसे सिंपल से सिलेक्ट करना है और इंस्पेक्ट करना है, सबसे नीचे ऑप्शन जो दिया होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो HTML की कोडिंग खुल गई है। अब यहाँ पर आपको जहाँ पासवर्ड दिख रहा है ये देखिए, यहाँ पर आपको टेक्स्ट कर देना है। सिंपल सा डबल क्लिक करिए और टेक्स्ट TEXT और एंटर बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ मैंने लिखा था पासवर्ड वाली टैब में वो सब दिख रहा है मुझे, और मैं जो कुछ लिखूँगा वो सब दिखेगा। तो सिंपल सा आप पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रिक से। सो जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो है कि आप गूगल का वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी वन क्लिक में। आपको बहुत सारे इसमें वॉलपेपर दिए जाते हैं पर काफ़ी लोग को नहीं पता होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए ये कस्टमाइज का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ पे इतने सारे आपको मिल जाते हैं। ये सिर्फ आपको यहाँ पे जैसे अर्थ से रिलेटेड मुझे चाहिए तो मैंने अर्थ पे क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारे हैं जो भी आपको लगाना हो। जैसे मैं सिटी स्क्रैप्स वाला ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जो भी लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। लाइक डन कर दीजिए यहाँ पर और ये लग जाएगा। सो जो हमारी आखिरी टिप है वो है इंकग्निटो मोड के ऊपर। इंकग्निटो विंडो भी होती है, आपने देखा होगा, तो उसका आपको शायद यूज़ ना पता हो, काफ़ी लोग को नहीं पता रहता है। तो उसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी विंडो में होंगे जहां पर आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होगी और ना ही आपको किसी भी तरह की कुकी देखने को मिलेगी और ना ही पॉपअप ऐड कोई भी नहीं देखने को मिलता है ज़्यादातर। सो इंकग्निटो मोड आपके काफ़ी काम आ सकता है अगर आप कोई प्राइवेट काम कर रहे हों या किसी को ना बताना चाहते हों कि मैंने क्या किया है अभी तक हिस्ट्री में। मतलब कुछ लोग मतलब जाके चेक कर लेते हैं, पर इंकग्निटो मोड में जो भी आप करोगे वो हिस्ट्री में नहीं जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा एडवांटेज रहेगा। सो इसको ओपन करने के लिए आप सभी को पता होगा विंडोज़ अगर यूज़ करते हैं तो आप सिंपल सा खोल सकते हैं यहाँ से। ये देखिए इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl Shift N। तो आपको यहाँ पर सिंपल से क्लिक करना है और आप आ जाएंगे यहाँ पर। आप जो भी सर्च करेंगे आपको हिस्ट्री नहीं यहाँ पर रिकॉर्ड होगी आपकी। तो ये थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में, कई बार मुझे बोलना पड़ा ये सब। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ऐसी ही अगली वीडियो और चाहिए तो मैं बना दूंगा। अगली वीडियो आप अगर कमेंट में बता दें तो मैं पक्का बना दूंगा। और अगर आपके पास कोई टिप्स या ट्रिक्स है तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।